कबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। अल कबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में आज शनिवार को सुबह 9 बजे से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों सहित संस्थान के सदस्यों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। वॉलंटियरी ब्लड डोनेशन एसोसिएशन और ब्लड बैंक के तत्वाधान और सहयोग से 142 लोगों ने रक्तदान कर इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया। संस्थान के प्राचार्य श्री वारिस सरवर इमाम ने इस पुण्य कार्य में सबके सहयोग और रक्तदान शिविर में भागीदारी के लिए संस्थान के सदस्यों, VBDA और ब्लड बैंक जमशेदपुर के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान मतदान है और समाज सेवा के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है। रक्तदान के प्रति विद्यार्थियों एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर आयोजन के संयोजक श्री सैयद आतिफ गुलरेस की अगुवाई में आयोजन समिति के सदस्यों ने पूरी निष्ठा के साथ इस कल्याणकारी कार्य को संपन्न किया। शुमैल ग्यास, दानिश इकबाल, अमजद अली, हसीबुल हक, चंदना शर्मा, पी वीणा शीला राव, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद इब्राहिम के साथ साथ सभी विभागों के प्रमुख एवं विशेषकर विद्यार्थियों के उत्साहजनक योगदान सराहनीय है। जैसे मैंने कुछ पहले के फंक्शन में बताया हूँ कि स्टाफ और स्टूडेंट्स को कोरोना काल से बाहर निकालने की अलकबीर की लगातार कोशिश रही है। साथ में अलकबीर एक चीज़ और शुरू किया है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पहले भी करता है कि हम समाज को कैसे दे सकें, समाज में हम उधार कैसे ला सकें और जो माने लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बढ़ा सकें। तो ब्लड डोनेशन से बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, जो कि अलकबीर कई सालों से करता चला है। ये बदकिस्मती से कोरोना के बाद वो रुक गया था, तो ये एक हमारा प्रयास था कि उस चीज़ को शुरू किया जाए। अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे हर साल ये होता चला आएगा। आज का जो सबसे अहम बात थी कि इतने सालों के बाद भी बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लिया, स्टाफ ने भी लिया। हमने अभी तक फिलहाल अभी कैंप चल ही रहा है, 137 बॉटल्स हमने कलेक्ट किया है, 137 यूनिट्स। और एक चीज़ और बता दें, 27 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि जब ब्लड दिया जाता है तो उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है, क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स होते हैं कि कौन डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 27 बच्चे ऐसे थे जो देना चाह रहे थे, लेकिन VBDA की टीम ने जब उनका एनालिसिस किया तो बताया कि उनसे अभी लेना उचित नहीं होगा। नहीं, फिलहाल इस बार हमने इसको छात्र और स्टाफ के लिए सीमित रखा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको आउटसाइडर्स के लिए ओपन करेंगे तो और जोर शोर से लोग इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये मैनेजमेंट और स्टाफ में अपने ये बात हो चुकी है कि इंशाल्लाह अगली बार हम लोग उसमें आउटसाइडर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे।